माइक्रोसॉफ्ट का मैथ सॉल्वर एलजेब्रा पी एलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्रिक कैलकुलस से कुल 27 टाइप के क्वेश्चन, जिसमें मीन माइक्रोसॉफ्ट का मैथ सॉल्वर माइक्रोसॉफ्ट का मैथ सॉल्वर अभी प्री एलजेब्रा एलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री और कैलकुलस के कुल मिलाकर के 27 तरीके के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, जिसमें मीन मोड फ्रैक्शन लीनियर या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मैट्रिक्स ग्राफ इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन लिमिट्स आदि शामिल हैं, जिसकी पूरी लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आपने विशेष शायरी सोशल मैसेजेस यूट्यूब आदि से रिलेटेड कोई भी वीडियो बनाया होगा तो आपने एक प्रॉब्लम जरूर फेस की होगी, और वो है वीडियो में बोलते समय बार बार अटकना या वर्ड्स को भूल जाना। वैसे जो बड़े पॉलिटिशियन या एक्टर या न्यूज एंकर होते हैं वो फ्लुएंट बोलने के लिए टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें उनके भाषण या स्क्रिप्ट चलते रहते हैं। लेकिन नॉर्मल लोग इतने महंगे टेलीप्रॉम्प्टर को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो नमस्कार, मैं अनुराग दुबे और आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने मोबाइल को टेलीप्रॉम्प्टर बना सकते हैं और मोबाइल में ही अपने स्क्रिप्ट को पढ़ते हुए वीडियोस को बना सकते हैं। टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल मीडिया में तो काफी सालों से होता आ रहा है, जिसमें न्यूज रिपोर्टर्स कैमरे के लेंस पर फिट हुए टेलीप्रॉम्प्टर के सहारे न्यूज को पढ़ते हैं, और यही काम अधिकांश टीवी शोज वाले और यूट्यूबर भी करते हैं, जैसे कि कपिल शर्मा शो या ध्रुव राठी का यूट्यूब चैनल। वैसे तो टेलीप्रॉम्प्टर कई टाइप के आते हैं, जैसे कि टीवी की तरह डिस्प्ले वाले या कैमरे के लेंस में अटैच होने वाले, लेकिन ये सभी टेलीप्रॉम्प्टर काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं, और जो कैमरे में लगने वाले टेलीप्रॉम्प्टर होते हैं उनमें भी आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप को लगा करके उसमें स्क्रिप्ट को प्ले करना होता है। लेकिन आज मैं आपसे इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि आप कैसे किसी एक ऐप की मदद से अपने मोबाइल को ही टेलीप्रॉम्प्टर में बदल सकते हैं और मोबाइल के फ्रंट कैमरे से वीडियो को शूट करने के साथ स्क्रीन पर ही अपने स्क्रिप्ट को प्ले कर सकते हैं। वैसे अगर आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद आप भी कैमरे के सामने कंफर्टेबल हो जाएं। वैसे तो टेलीप्रॉम्प्टर के कई फ्री ऐप हैं, लेकिन उन सब में एक प्रॉब्लम यह है कि सिर्फ अपने ऐप के कैमरे से ही वीडियो शूट करने की वो परमिशन देते हैं, और वो भी लैंडस्केप मोड में। तो ऐसे में आप इन ऐप से अच्छी वीडियो तो बिल्कुल नहीं बना सकते। इसलिए मैं इस वीडियो में पेड टेलीप्रॉम्प्टर ऐप के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम है नैनो टेलीप्रॉम्प्टर। इस ऐप को एफएल एप्स ने बनाया है और इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से 360 रुपए में डाउनलोड कर सकते हैं। तो जहां मुझे शुरुआत में इस टाइप के वीडियोस बनाने में 150 टेक लेने पड़ते थे, लेकिन फिर भी सही फ्लो में वीडियो नहीं बन पाता था, लेकिन इस ऐप के इस्तेमाल से लिखी हुई स्क्रिप्ट पढ़कर वीडियो बनाना बहुत ही आसान हो गया है। इस ऐप का इस्तेमाल करना बहुत ही ज्यादा सिंपल है। आप जैसे ही इस ऐप को क्लिक करेंगे आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें आपके पुराने सभी स्क्रिप्ट रहेंगे, और यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेगा, फ्लोटिंग का और फुल स्क्रीन का। तो आपको फ्लोटिंग पे ही क्लिक किए रहना है। इसके बाद जैसे ही आप नीचे ये प्लस के सिंबल पे क्लिक करेंगे तो आपको अपने नई स्क्रिप्ट को इसमें डालने का ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ पे आपको ये टाइटल और दूसरा ये यहाँ पे आप स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। आप कहीं और स्क्रिप्ट लिखे हैं तो आप इस पे थोड़ी देर होल्ड करके कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। तो उसके बाद जैसे ही ये प्ले का बटन आप दबाएंगे तो कुछ इस तरीके से ये इसका स्क्रिप्ट चलने लगेगा। तो यहाँ पे इसका रोटेशन का भी ऑप्शन है, और जैसे ही आप ये कैमरा ऑन करेंगे तो कैमरे के साथ में ही ये स्क्रिप्ट आपका प्ले होने लगेगा। मैं किसी दूसरे स्क्रिप्ट को प्ले करके आपको दिखाता हूँ। तो जैसे ये प्रेजेंट का वीडियो है तो ये उसे मैं प्ले करता हूँ, तो ये कुछ इस तरीके से। तो सबसे बड़ी खासियत कि ये जैसे ही ये कैमरा है तो कैमरे के साथ में ये प्ले होगा, मतलब कि जो मोबाइल का आपकी जो कैमरे की स्क्रीन है आप उसमें ये इस तरीके से देखते हुए, आप चाहे तो फ्रंट कैमरा भी ऑन कर सकते हैं, इस तरीके से देखते हुए अपने वीडियो को प्ले कर सकते हैं। जैसे ये मैं 8 पे रखा तो ये नॉर्मल आप जैसे बात करते हैं फ्लो पे, ये प्ले किया तो ये इस स्पीड से वीडियो चलने लगेगा।
अगर आपकी स्पीड तेज या स्लो है तो आप इसे कर्सर को इस तरीके से आगे पीछे करके इस जो टेक्स्ट है उसकी स्पीड को स्लो या फिर फास्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको ये यहाँ पे ये क्रॉप का जो सिंबल बना है इसके थ्रू आप अपने स्क्रीन को छोटा बड़ा कुछ भी कर सकते हैं। आप इसे इस तरीके से हॉरिजॉन्टल में भी प्ले कर सकते हैं। और फिर इसके बाद एक ऑप्शन आता है आपके टेक्स्ट के साइज का भी, तो आप चाहे तो टेक्स्ट के जो भी साइज है उसे भी इस तरीके से छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ पे टेक्स्ट और स्पीड ये दोनों का साइज यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद ये देखिए टेक्स्ट का साइज या छोटा बड़ा जैसे चाहे आप सेट कर सकते हैं। वैसे मैं ये टाइमर पे क्लिक करके जो इसका टेलीप्रॉम्प्टर है उसे कुछ देर के लिए डिले कर सकता हूँ, यानी कि जो ये टेक्स्ट का स्क्रॉल है ये थोड़ी देर बाद चलेगा। तो जिससे फायदा ये होता है कि खुद से क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा टाइम मिल जाता है। वहीं पे आप इसकी कुछ बेसिक सेटिंग है यहीं से आप एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि ये ओपेसिटी, ये टेक्स्ट कलर, जैसे ये रेड कर दिए तो ये रेड कलर में हो गया, बाय डिफॉल्ट ब्लैक ही रहने देता हूँ। ओपेसिटी को भी मैं आपको कम ज्यादा करके दिखाता हूँ, तो ये ज्यादा कर दूंगा तो ये पूरा ब्लैक हो जाएगा टेक्स्ट का बैकग्राउंड, इधर कर दूंगा तो ये पूरी तरीके से कम हो जाएगा। तो इसे देखिए ये इस काम में भी आता है। और इसके बाद कुछ और बेसिक फीचर्स जैसे कि ये टेक्स्ट का लाइन स्पेस और टेक्स्ट की साइज, और यहाँ पे अलग अलग कुछ अलग फंक्शन दिए हैं, जैसे कि फाइल सेटिंग्स के लिए यहाँ पे परमानेंट सेटिंग है, और ये इस पे क्लिक करने पे ये यहाँ पे आप ये मिरर, लूप, टैप टू प्ले, हाइड द टाइम, ये सब सारी सेटिंग आप यहां से कर सकते हैं। और ओपन सेटिंग करने पे आपको इस ऐप की परमानेंट सेटिंग जो है वो खुल जाएगी। तो ये इसमें भी कुछ सेटिंग दी हैं, जैसे स्पीड, फ्रंट साइज, डिले, स्पेस बिटवीन लाइंस, नॉर्मल, मिरर, मतलब ये जो वहां पे सेटिंग दिख रही थी ये सेटिंग आपको यहां पर भी दिखाई देगी। तो आप इस ऐप की मदद से अपने स्क्रिप्ट को स्क्रीन पर पढ़ते हुए अपने वीडियो को बना सकते हैं, और लोगों को ये भी नहीं लगेगा कि आप कुछ देख या पढ़ करके वीडियो को बना रहे हैं। तो आज का वीडियो बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। वहीं मुझ पर अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।